हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने दोबारा से आपका दोस्त वेडोमैक्स ब्रांड की तरफ से आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। कैसे? देखिए, आजकल आदमी हो या औरत हो, उनको उनके शरीर में धातु की कमी होती है, कमजोरी आती है, या फिर अगर हम बात करें तो बवासीर की परेशानियां होती है, पेशाब में दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप उन जड़ी बूटी का उपयोग करके ये सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो आज मैं जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उस जड़ी बूटी का नाम है खरेटी बीज, जिसको कि हम अतिबला, कंघी या फिर बीजबंध के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं और ये कहे भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी होती है ये इतनी गुणकारी है कि इसका जो पूरा पेड़ होता है हमारे हर काम आता है। अगर छालों को ले लीजिए, इसके पत्तों को ले लीजिए, या फिर इसके फल या फिर इसके फल के बीज, ये जो खरेटी के बीज होते हैं वो इसके फल के बीज होते हैं। देखिए, ये जो पेड़ होता है, इसमें जो फूल आते हैं वो पीले पीले रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ना फल होता है, इसका सुगलत थोड़ा ब्राउन ग्रे सा होता है, जो कि बिल्कुल कंघी की तरह लगता है देखने में, मतलब ऐसा ही फूल के जैसा होता है। उसको जब हम दबाते हैं या फिर रगड़ते हैं, उसमें से बीज निकलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं खरेटी बीज, यानी या फिर बीज बंद। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि खरेटी बीज होते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास है वेडोमैक्स ब्रांड का खरेटी बीज का पैकेट। तो आइए देखते हैं कि इस पैकेट में जो है खरेटी बीज कैसे हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो बीज है, ये देखिए, ये है मेरे पास खरेटी बीज। ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए, ये जो मैं आपको बताया ना, फल को हम जब पीसते हैं तो उसके अंदर से ये बीज निकलते हैं उसके। ये देखिए दोस्तों, ये बीज देखिए, इसके खरेटी बीज किस तरह के, तो खरेटी बीज थोड़े काले काले होते हैं, ये जो है खरेटी बीज कहलाते हैं, इस तरह के होते हैं। और आशा करता हूँ कि आप अगर कभी कुछ कहीं लेने जाएं तो आपको यही खरेटी बीज असली मिले, क्योंकि लोग मिलावट बहुत करते हैं आजकल खरेटी बीज में, क्योंकि वो बीज है, किसको क्या पता चलना कैसे बीज होते हैं कैसे बीज नहीं होते। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि बीज होते हैं ये हमारे लिए कैसे हमारी परेशानी में हमारे काम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आदमी होते हैं, औरत हो गए, इनमें धातु की कमी होती है, तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो ऐसे में खरेटी बीज के पाउडर आपको बनाना है, उसको दूध के साथ आधा छोटा आधा चम्मच जो है पाउडर लेना है, एक गिलास दूध में। अगर स्वाद के लिए आप इसमें जो है या तो मिश्री या फिर शहद डाल के इसका सेवन करें, आदमी हो चाहे औरत हो, उस समय में आपको इसका असर दिखने लगेगा। या फिर इसके जो पत्ते होते हैं, अगर आपको पत्ते मिले तो पत्तों को आप लोग जो है, कुछ लोग तो इसका सेवन ऐसे ही कर लेते हैं, खाली पत्ते ही खा लेते हैं, नहीं तो फिर आप इसके पत्तों की चटनी बनाइए और उसका भी सेवन कीजिए, उससे भी आपकी धातु में बढ़ोतरी होती है शरीर में। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है बवासीर की दिक्कतें। बहुत आजकल लोगों को बवासीर हो रहा है, तो बवासीर हो रहा है तो कैसे ही काम आएगा। तो देखिए, बवासीर जब होता है तो आपको जो खरेटी की बीज है ये एक गिलास पानी के साथ जो है दिन में दो बार लेने हैं, छोटा आधा चम्मच से भी कम एक बार में पानी का तो मिला के पीजिए, इसको आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद अगर आपके शरीर में कमजोरी है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, तो वहां पे आप खरेटी के बीज का सेवन कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पेशाब में दिक्कत होती है, जैसे कि पेशाब में या तो ब्लड आता है या फिर बूंद बूंद के साथ गिर रहा है, तो ऐसे में आप जो है खरेटी की बीज समान मात्रा में जो है मिश्री लीजिए, दोनों को पीस के पाउडर बनाइए और डेली आधा चम्मच सेवन कीजिए, जो कि आपकी परेशानी जो है धीरे धीरे सही होने लगेगी। इसके साथ साथ अगर आपके हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में थकान होते, तो भी ये फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कमजोरी होती है काफी ज्यादा, तो ऐसे में क्या करना होता है, खरेटी के बीज जो है आपको जो मैंने दिखाया था अभी, उनको भून लीजिए। भूनने के बाद एक टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए और डेली डेली एक चम्मच खरेटी का बीज खाइए, मतलब चबाइए उसे। ऐसे में आपकी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे, या जो थकान होती है वो धीरे धीरे आपका सही होने लगेगा, जिसके असर आप कुछ दिन में देख पाएंगे। दोस्तों, ये तो थी सारी जानकारियां खरेटी के बीज के बारे में, कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। अगर लगता है आपको कि आपके किसी जानने वाले को इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। और आपको कोई भी सवाल हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।